दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हो द किंग एडिटर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं साइड फोटो में आंखों में रेड सफेद रेड कैसे करते हैं। तो ये है, आपको इस तरह करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको रेड सा कैसे डालना है कि आपको फ़ोटो भी अच्छा लगे देखने में। तो मैं इसे सारा काम ऑटो डेस्क में करूँगा, तो मैं फ़ोटो को ऑटो डेस्क में शेयर कर रहा हूँ। और मैं तो आपको सबसे पहले स्मूथ करने वाला वो बता दे रहा हूँ ब्रश। तो मैं नॉर्मली ही बताऊँगा, अगर आपको स्मूथ नहीं करने आता है तो आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको ये वाला ब्रश लेना है स्मूथ करने के लिए, और आपको चेंज को 14 रखना है, फॉलो को 4-5 रख लो, 4 रख लो आप, और साइज़ अपने फ़ोटो के मुताबिक रखना है। तो मैं थोड़ा नॉर्मली सबको स्मूथ वाला वीडियो वो बता देता हूँ, स्मूथ का किस तरह करते हैं। तो आपको इस तरह थोड़ा आराम आराम से करना होता है, तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ। तुझे साथ मेरे, तो मेरा ये नॉर्मली सा मतलब स्मूथ वाला स्मूथ था। तो आपको अगर स्मूथ नहीं करना आता है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, मैं स्मूथ करने वाला वीडियो बना दिया हूँ। तो मैं अपना मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये हो गया मेरा स्मूथ। तो मेन पॉइंट ये है, आपको पहले ब्रश, आप वो बता दो कौन सा ब्रश लेना है आपको आँखों को अपना रेड करने के लिए। तो आपको ग्लो, ये इसमें ग्लो वाले में फर्स्ट वाला लेना है, ठीक है। और इसका फॉलो आपको 100 रखना है, साइज अपने मतलब आँख के हिसाब से रखना है, तो इतना काफ़ी है। तो आपको इस तरह जूम करना है पहले सॉरी, आपको पहले न्यू एम्प्टी ले लेना है। कभी आप मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो न्यू एम्प्टी लेना होगा, ठीक है। और इस तरह आपको जूम करके इस तरह और आराम से आपको इस तरह लेना है, इस तरह। अगर आपको ज़्यादा हो जा रहा है तो आप साइज छोटा कर लेना, अगर आपको नहीं हो रहा है करने तो। और इस तरह आपको पूरा मिलाना है, पूरा। मैं साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और इसको पूरा जो वाइट वाइट जो दिख रहा है इसको पूरा रेड करना है, मतलब जो काला काला आँख का जो दिख रहा है वो सब छोड़ना है। तो मैं इसे रेड कर दे रहा हूँ जल्दी मैं करूँ। और इसको रेड कर देता हूँ, इसको भी पूरा इस तरह आपको भी करना है। और सेम आपको सेकेंड वाला भी आपको इस तरह करना है, यही हो गया। और सेम सेकेंड भी आपको इसी तरह करना है, ठीक है, इस तरह। तो जी ये साथ मेरे, तो ये हो गया। और आपको एम्प्टी लेन में जो अपन न्यू एम्प्टी लेन लिए थे उस पर जाना है आपको। और आपको ओपेसिटी यहाँ पे लिख रहा है, ओपेसिटी जो 100 होगा तो आपको कम बेस करके देखना है आपके मतलब फ़ोटो के हिसाब से कि हाँ ये मतलब साइड में है थोड़ा ज़्यादा। मैं साइड में ना हूँ, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको फ़ोटो के मुताबिक रखना है, इतना कि लौंडा काफ़ी मतलब साइड में है। तो ये हो गया। और आपको कलर बैलेंस भी, आप कलर बैलेंस आप मतलब नॉर्मली आप कर सकते हो, क्योंकि मेन काम तो खराब हो गया, फिर भी आप मतलब कलर बैलेंस कर सकते हो। और HDR जो भी हो वो भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा कलर में ये भी कर दे रहा हूँ। और अगला भी, और यार ये क्या हो रहा, रेड पर रखो आप, ठीक है, इसको रेड पे ही रहने दो। चलो ये इतना सही है। तो मैं डन करती हूँ। और आपको अपना
इस फ़ोटो पे जाना है और फ़ोटो को MT11 पे जाना है और उस पर भी टच करके मतलब इस पर सारा बैलेंस करना है, जैसे लाइट रूम होता है ना वो वाली करनी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ फ़ोटो को मुताबिक रखने के लिए। तो ये हो गया मेरा इतना कंप्लीट। तो दोस्तों मेरा फाइनली भी फ़ोटो कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, लव यू वेल।